A very good morning, students. Once again, Umesh Sharma is here for the third SP lecture. इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज इन द सेंस कि पहले दो लेक्चर्स जो हमने लिए थे वो पहले दो लेक्चर्स हमने ऑडियो लेक्चर्स रखे थे. अब फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग ए वीडियो लेक्चर, बिकॉज आप सिर्फ सुन सुन करके इतनी अच्छी तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा. एंड दैट इज व्हाई हमने वीडियो लेक्चर ट्राई किया है कि सुनने के साथ साथ आप उसको देख भी पाओगे. तो उससे क्या है कि इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा. एंड दैट इज व्हाई मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब घर में ही होंगे, नियमों का पालन कर रहे होंगे, अपनी सेहत की देखभाल कर रहे होंगे. कमिंग ऑन टू अवर सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कंपनी के कैपिटल के बारे में बात किया था कि कंपनी का कैपिटल बहुत लार्ज होता है. कैपिटल का मतलब है वेल्थ, मनी एंड प्रॉपर्टी जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और पैसा या प्रॉफिट कमाने के लिए. कंपनी का कैपिटल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है ओन्ड कैपिटल जो कि ओनर्स देते हैं, दूसरा है बोरोड कैपिटल जो कि क्रेडिटर्स प्रोवाइड करते हैं. ओन्ड कैपिटल आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दी ओनर्स. ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर कंपनी में शेयर परचेज करता है और शेयर परचेज करके वो कैपिटल प्रोवाइड करता है टू द कंपनी. उसी ओल्ड कैपिटल के बारे में और शेयर्स के मीनिंग के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड कैपिटल जो कि ओनर यानी कि शेयर होल्डर देता है, इसको हम सामान्य भाषा में शेयर कैपिटल भी कहते हैं. ये देखिए आपके सामने आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो ओल्ड कैपिटल या शेयर कैपिटल है ये बहुत लार्ज होता है. इतना लार्ज कैपिटल एक या दो लोगों के कंट्रीब्यूट करने या कुछ लोगों के कंट्रीब्यूट करने के बस की बात नहीं है. यानी कि फ्यू पीपल कैन नॉट कंट्रीब्यूट सच लार्ज कैपिटल बिकॉज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज वेरी लार्ज. देखो यहां पर मैंने आपको एग्जांपल में दिया है कि कंपनी का कैपिटल कितना है, 50 करोड़. ये 50 करोड़ कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम है. सो इट कैन नॉट बी कंट्रीब्यूटेड बाय फ्यू पीपल. तो कंपनी क्या करती है, इस लार्ज कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ये देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, ये कंपनी का शेयर कैपिटल है. इस शेयर कैपिटल को कंपनी ने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और इन छोटे छोटे हिस्सों में से जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनको हम शेयर्स कहते हैं प्लूरल में. और अगर एक हिस्से की बात करें तो ये एक हिस्सा जो है उसको हम शेयर कहते हैं. तो शेयर बेसिकली क्या है? शेयर जो है हिस्सा यानी कि पार्ट है ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो भी शेयर कैपिटल है 50 करोड़, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया 50 करोड़, इस 50 करोड़ का एक हिस्सा, एक पार्ट, दैट इज नोन एज शेयर. अब कंपनी जब अपने इस लार्ज कैपिटल को डिवाइड करती है तो ये सारे हिस्से इक्वल पार्ट के होते हैं, यानी कि इसमें कोई हिस्सा बड़ा नहीं, कोई हिस्सा छोटा नहीं. दे आर डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल वैल्यू. ये जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल वैल्यू है दैट इज नोन एज शेयर्स. शेयर्स प्लूरल में कहते हैं. और अगर सिंगुलर की बात करें तो ये देखिए शेयर क्या है, स्मॉलेस्ट सिंगल पार्ट, एक हिस्सा, स्मॉलेस्ट सिंगल पार्ट किसका, शेयर कैपिटल का. ये देखो ये शेयर कैपिटल है, उसका स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एक हिस्सा,
दैट इज शेयर। इंडियन कंपनीज एक्ट ने शेयर का डेफिनेशन दिया है कि शेयर क्या है। शेयर मींस ए शेयर, यानी कि हिस्सा या पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये देखो एक और एक एग्जांपल है, ये शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल का हिस्सा या पार्ट अगर आप देखें तो दैट इज नोन एज शेयर। लेकिन लोग कंपनी में एक शेयर नहीं खरीदते हैं, बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा आपको 500 रुपीस पॉकेट मनी के रूप में देते हैं, तो 500 रुपये कि अगर 10-10 की नोट आपको दी जाए तो 50 नोट हो जाएगी, जेब में रखने में दिक्कत होगी। आपने ये 50 नोट पापा को दी और पापा से कहा कि आप मुझे 500 की एक नोट दे दो। सिमिलरली कंपनी जब बहुत सारे शेयर्स इशू करती है और शेयर होल्डर बड़ी संख्या में या बड़े क्वांटिटी में इन शेयर्स को जब वो परचेज करते हैं तो बहुत सारे शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर बहुत सारे शेयर्स को कंबाइन कर दिया जाए, जैसे 10-10 रुपए की नोट को 500 रुपए की नोट में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से जब शेयर होल्डर अपने बहुत सारे शेयर्स को इकट्ठा कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। सिंगल पार्ट अगर है तो उसको शेयर कहते हैं, बहुत सारे शेयर्स को अगर इकट्ठा कर लिया तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो शेयर क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट मतलब एक हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और स्टॉक क्या है? सर स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर्स। जब बहुत सारे शेयर्स को जब हम बंडल बना देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे फ्लावर्स को हमने इकट्ठा कर लिया तो वो बुके बन जाता है, वैसे शेयर्स को इकट्ठा कर लिया तो वो स्टॉक बन जाता है। इंडियन कंपनीज एक्ट, वंस अगेन क्या कहता है इंडियन कंपनीज एक्ट? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कहता है कि ए शेयर इज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। यानी कि शेयर क्या है? पार्ट है, हिस्सा है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का, और उसमें आता है स्टॉक। शेयर छोटा भाई है क्योंकि सिंगल पार्ट है, स्टॉक बड़ा भाई है क्योंकि इट इज बंडल ऑफ शेयर्स। दोनों सेम है, शेयर भी पार्ट ऑफ कैपिटल है और स्टॉक भी पार्ट ऑफ कैपिटल है। शेयर सिंगल हिस्सा है, स्टॉक बंडल है, बोथ आर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब कंपनियां कैपिटल लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के शेयर्स इशू करती है। आप पूछोगे कि अलग अलग प्रकार के शेयर्स क्यों इशू करती है? अलग अलग प्रकार के शेयर्स इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके या अट्रैक्ट किया जा सके। सर लेकिन ऐसा क्यों? वेल, रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो उधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वैरायटी होती है मेनू कार्ड में। होटल के मेनू कार्ड में पंजाबी फूड भी है, साउथ इंडियन फूड भी है, चाइनीज फूड भी है, इटालियन में पास्ता, पिज्जा और बर्गर्स भी है। इतना वैरायटी क्यों? पेट ही तो भरना है। होटल का मालिक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। ग्राहकों के अलग अलग टेस्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को इनवाइट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट फूड वैरायटीज रखी जाती है। सेम वे कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहती है और इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू। अब आप पूछेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स में डिफरेंट क्या है? तो वेल, डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले तो बता दूं, कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। इनमें डिफरेंट क्या है? किसी में रिस्क कम होती है, किसी में रिस्क
ज्यादा होती है। किसी में डिविडेंड फिक्स्ड रेट से मिलता है तो किसी में डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग यानी कि चेंजिंग रेट से मिलता है। किसी शेयर के ऊपर वोटिंग राइट्स मिलते हैं, किसी शेयर के ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं भी मिलते हैं। So, ये अलग अलग प्रकार के शेयर्स इशू करने के पीछे मेन रीजन यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, ताकि कंपनी के पास लार्ज कैपिटल कलेक्ट हो सके। जो लोग शेयर्स खरीद करके कंपनी को पैसा देते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। सो दोज हु परचेज द शेयर्स एंड प्रोवाइड कैपिटल आर नोन एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का स्टेटस या हैसियत क्या है? शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है। उसके स्टेटस या हैसियत की बात करें तो वो कंपनी का ओनर है। क्यों ओनर है? क्योंकि उसने शेयर खरीद करके ओन्ड कैपिटल दिया। कौन सा कैपिटल दिया? ओन्ड कैपिटल दिया, दैट इज द थर्ड थिंग। सो शेयर खरीद के पैसे देने वाला शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की हैसियत या स्टेटस ओनर की है। क्यों? क्योंकि उसने ओन्ड कैपिटल दिया। सबूत क्या है कि वो कंपनी का ओनर है? कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती है टू द शेयर होल्डर, यानी कि जो लोग कंपनी में शेयर खरीदेंगे दे आर गिवन शेयर सर्टिफिकेट एज द प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। इस शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ होता है, उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं उसकी क्वांटिटी लिखी हुई होती है, कौन से नंबर से लेकर के कौन से नंबर तक के शेयर्स खरीदे हैं उसकी भी जानकारी होती है। अब सवाल यह उठता है कि शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा तो बदले में उसको क्या मिलेगा? कंपनी शेयर्स से जो कैपिटल कलेक्ट होता है उससे बिजनेस करती है, और जो भी प्रॉफिट कमाती है ये प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड किया जाता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर पे डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं होता है, कम ज्यादा होते रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। The rate of dividend is fixed. अब कंपनी अपना ये जो शेयर कैपिटल जब डिवाइड करती है तो ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स के होते हैं, यानी कि सभी शेयर्स की वैल्यू सेम होती है। अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 50 करोड़ का शेयर कैपिटल है उसको कंपनी ने 5 करोड़ टुकड़ों में यानी के शेयर्स में डिवाइड किया है। हर एक की कीमत रखी है 10 रुपया, हर एक की कीमत रखी है 10 रुपया। शेयर की जो एक्चुअल कीमत होती है वो कीमत कंपनी शेयर सर्टिफिकेट पर लिख देती है। कहां लिख देती है? शेयर सर्टिफिकेट पर। ये जो शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर की असली कीमत लिखी हुई होती है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो शेयर सर्टिफिकेट पर शेयर की जो असली कीमत लिखी हुई होती है उसे हम फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। बट एक बात ध्यान में रखना कि कंपनी ने अपने शेयर सर्टिफिकेट की जो भी कीमत रखी, जरूरी नहीं है कि कंपनी इसी कीमत पर शेयर्स बेचेगी। कंपनी जिस कीमत में अपने शेयर्स पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को बेचती है उसको हम इशू वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इशू वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई कीमत, इशू वैल्यू यानी कि वो कीमत जिस कीमत में कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को बेचती है। इसके अलावा एक और एक वैल्यू भी है जिसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू।
मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। सो मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट बाय द पब्लिक। अब ध्यान रखें, फेस वैल्यू यानी कि सर्टिफिकेट पर लिखी हुई कीमत और इश्यू वैल्यू यानी कि जिस कीमत में शेयर को बेचा जाता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जो मार्केट वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज में जिस कीमत में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, दैट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई यानी के मार्केट फोर्सेस। शेयर्स इशू करके कंपनी अपना मेजॉरिटी कैपिटल कलेक्ट करती है। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करता है और बदले में रिटर्न्स के रूप में उसको डिविडेंड मिलता है। इसी आधार पर शेयर्स के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स और एक शेयर यानी कि डिफर्ड शेयर्स के बारे में हम बातचीत। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे होम, स्टे सेफ।